रामनवमी पर होगा रामलला का सूर्य तिलक। सूरज की किरणें भगवान राम को लगाएंगी तिलक। जी हाँ, इस बार रामनवमी पर रामलला की एक अनोखी तस्वीर आपको नजर आएगी, जब सूर्य की किरणें रामलला का तिलक करती हुई नजर आएंगी, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और तो और, आप घर बैठे भी इसका सीधा प्रसारण देख पाएंगे, यानी इसके लिए 100 LED स्क्रीन लगाई गई हैं, जिसके जरिए आप इस नजारे को देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इस रामनवमी सूरज की किरणें राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री रामलला का अभिषेक करेंगी। किरणें 17 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए गए ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के जरिए गर्भगृह तक आएंगी। यहां किरणें दर्पण से परिवर्तित होकर सीधे रामलला के मस्तक पर 4 मिनट तक रहेंगी, जिसका नजारा भव्य होगा। दरअसल इस सूर्य तिलक को देश के 2 वैज्ञानिक संस्थानों की मेहनत से साकार किया गया है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक कुछ दिन पहले सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिक उपकरण गर्भगृह के ठीक ऊपर तीसरी मंजिल पर लगा दिए गए हैं। हालांकि इसको लेकर ट्रायल भी किया जा चुका है और पिछले रविवार को ही दोपहर की आरती के बाद पहला ट्रायल हुआ था, जब सूर्य की किरणें रामलला के होंठों पर पड़ी। फिर लेंस को दोबारा सेट कर सोमवार को फिर से ट्रायल किया गया तो किरणें मस्तक पर पड़ी, जिससे रामनवमी पर सूर्य तिलक का आयोजन अब तय माना जा रहा है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि रामनवमी पर सूर्य तिलक की तैयारी है और इसका प्रसारण 100 LED स्क्रीन से पूरे अयोध्या में होगा। रामनवमी में एक यह भी प्रयास किया जा रहा है कि लगभग 12 बजे दिन में, अभी पूरी तरीके से निश्चित समय तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भगवान के माथे पर सूर्य किरण आए पड़े, सूर्य किरण जो है वो सीधे गर्भगृह में पहुँचे, इसका पूरी तरीके से कार्य चल रहा है। वैज्ञानिक भी हैं, यदि कार्य पूर्ण हो गया तो फिर उस दिन सूर्य किरण की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन वह भी केवल यह नहीं है कि केवल मंदिर पे ही होगा, बल्कि पूरे अयोध्या में लगभग 100 LED स्क्रीन लगेंगे, जहां पर श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। दरअसल इसको लेकर काफी दिनों से तैयारी की जा रही थी ताकि गर्भगृह में सूर्य की किरणें पहुंच सके। इसलिए आपको अब बता देते हैं कि किस तरीके से गर्भगृह में सूर्य की किरणें पहुंच सकेंगी। दरअसल IIT रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सिस्टम बनाया है, जिससे सूर्य की किरणें गर्भगृह में पहुंच सकेंगी। प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक देवदत्त घोष के मुताबिक ये सूर्य के पथ बदलने के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण, 3 लेंस के साथ साथ पीतल के पाइप से किरणें मस्तक तक पहुंच सकेंगी। वहीं सूर्य तिलक तय समय पर हो, इसलिए सिस्टम में 19 गियर लगाए गए हैं, जो सेकंड्स में दर्पण और लेंस पर किरणों की चाल बदलेंगे। बेंगलुरु की कंपनी ऑप्टिका ने लेंस और पीतल के पाइप बनाए हैं। चंद्र और सौर कैलेंडरों के बीच जटिल अंतर की समस्या का हल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिफिक्स ने किया है, जिसके जरिए सूरज की किरणें भगवान राम को तिलक लगाएंगी। फिलहाल रामनवमी को लेकर तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसकी तस्वीरें भी अब राम मंदिर से आनी शुरू हो गई हैं, जिसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्म उत्सव की व्यापक तैयारियां भी की हैं। रामनवमी पर करीब 50 क्विंटल देसी विदेशी फूलों से रामलला को सजाया जाएगा और पूरा मंदिर परिसर ही उन फूलों से महक उठेगा। राम मंदिर के गर्भगृह के अतिरिक्त सभी 5 मंडपों, यानी रंग मंडप, नृत्य मंडप, गूढ़ी मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप समेत बाहरी दीवारों और शिखर को फूलों से सुसज्जित किया जाएगा, यानी फूलों से सजा दिया जाएगा। इसमें देशी विदेशी करीब 20 प्रकार से ज्यादा के फूल को इस्तेमाल किया जाएगा। फूल बेंगलुरु और दिल्ली से मंगा लिए गए हैं। राम मंदिर के साथ ही कनक भवन और हनुमानगढ़ी को भी फूलों से सजाया जाएगा। रामलला के भव्य पोशाक और दिव्य आभूषण के अलावा पूरे मंदिर और 70 एकड़ परिसर को सुगंधित फूलों से सजाया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन जिस तरह से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी, उसी तरह रामनवमी पर यानी 17 अप्रैल को भी पुष्प वर्षा की जाएगी।
इसके लिए भी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा राम भक्तों पर की जाएगी। साथ ही ट्रस्ट की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 दिन में करीब 7,05,000 लोगों ने रामलला के दर्शन किए और रामनवमी पर भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर खासा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि रामनवमी पर जब रामलला का सूर्य तिलक होगा तो रामलला के भक्तों की भारी भीड़ होगी, जिसको लेकर भी इंतजाम करने होंगे, जिसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। बस अब इंतजार है तो रामनवमी का, जब रामलला का सूर्य तिलक होगा और उसकी तस्वीर पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को देखने को मिलेगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।